हूँ। मेरी उन आंटी ने बिगाड़ दी थी। आई विंग्स विंग्स यहाँ घूम रही है, सो उसे इग्नोर करना। So, अगर आप एक बिगनर है तो ये वीडियो आपके लिए, बिकॉज आज मैं बहुत सारी बातें डिस्कस करने वाली हूँ कि एज अ बिगनर आपको क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। मैं जब बिगनर थी मुझे किसी ने ये सारे पॉइंट्स नहीं बताए थे और इसलिए मुझे YouTube पे ग्रो होने में इतना टाइम लगा है, बट फाइनली आई एम हेयर टू डिस्कस ऑल द पॉइंट्स जो आपको जरूरी है जानना और जो आपको कोई नहीं बताएगा। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों आई एम न्यू, हाय माय नेम इज अंशिका एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ऑल द पॉइंटर्स जो एक बिगनर्स को पता होने चाहिए अगर आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल लर्न दिस मेकअप लुक जो मैंने आज क्रिएट करा है एंड इसकी सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो आप चेक कर सकते हैं। बट मेन वीडियो जो है वो ये है कि आप एक अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको कैसे बिल्डअप करना है, क्या जरूरी चीजें हैं जो आपको अपने माइंड में रखना है और क्या ऐसी बातें जो आपको इग्नोर करनी है। सो या विदाउट एनी फर्दर अडू नाउ लेट्स जंप टू द वीडियो। फर्स्टली इफ यू आर स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल तो मुझसे एक क्वेश्चन जो कॉमन रहता है, लाइक सभी लोग पूछते हैं, वो ये है कि स्टार्टिंग में व्यूज कैसे लाएं, स्टार्टिंग में आपके वीडियोस में कैसे व्यूज आते थे। तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिर्फ वीडियोस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, आपको व्यूज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। इनकेस अगर मैं उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेट करती अपने व्यूज पर, लाइक अगर मेरे व्यूज नहीं आ रहे तो मैं चैनल बंद कर दूँ, तो शायद आज की डेट में मैं चैनल बंद कर चुकी होती। बट मैंने व्यूज पे ध्यान ना देके मैंने वीडियोज पे ध्यान दिया और मैंने ये सोचा कि मैं वीडियोज और क्या क्या बना सकती हूँ। सो इफ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू चैनल पहले आपको कंटेंट लिखना है, लाइक आप कितनी वीडियोस, एटलीस्ट 50 वीडियोस आप प्लान करके चलिए अगर आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं कि आपको ये 50 वीडियोस तो बनानी ही है। एक टारगेट जो 50 डेज वाला जैसा रहता है ना, वैसा आप रखिए कि आपको 50 वीडियोस बनानी ही है। उसके बाद आप डिसाइड करिए वेदर आपका मन लग रहा है या नहीं लग रहा है। सो गाइज वी विल स्टार्ट विद द वीडियो एंड मैं अभी बेयर फेस हूँ बिकॉज मैं मेकअप आपके साथ करूंगी एंड मैंने आपके साथ प्रॉमिस करा था मैं मेकअप के साथ ऐसी वीडियोस बनाऊंगी ताकि आपको अलग अलग लुक्स भी मिल सके मेरे चैनल पे एंड ऑल्सो आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सके जो आपको कोई और नहीं दे रहा है आज की डेट में। सो ऑब्वियसली आई विल शेयर ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। सो या वी विल स्टार्ट विद द मेकअप एंड अभी मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया और एक मक्खी यहाँ घूम रही है, सो उसे इग्नोर करना। So, मैं जस्ट अभी फेस वॉश कर आई हूँ एंड मैंने अभी अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया। आई जस्ट गो विद दिस प्लूम सिल्क ब्लर मॉइस्चराइजिंग प्राइमर एंड इसके मैंने रिव्यूज बहुत ही ज़्यादा सुने थे, तो आई एम स्टार्टिंग विद दिस प्रोडक्ट एंड इसके लिए मैंने एक ब्रश भी इस बार खरीदा है, दैट इज द बूजी ब्यूटी। आई गेस दिस इज द प्राइमर, बेसिकली प्राइमर एंड फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए जो ब्रश आता है। सो ये ब्रश मैंने वहाँ से खरीदा है। आई मेंशन ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ताकि आप चेक कर सके एंड ये है B101। प्राइमर बड़ा ही अच्छा है, बहुत ही ज्यादा मॉइस्चराइज हो गई है मेरी स्किन, एज यू कैन सी द ग्लो ऑन माय फेस। मतलब मुझे अब ऐसा लग नहीं रहा है कि मुझे प्राइमर लगाना पड़ेगा बिकॉज दिस इज बेसिकली प्राइमर प्लस मॉइस्चराइजर। मैं इसे अप्लाई करने के बाद अब मैं 2 मिनट का ब्रेक लूंगी बिकॉज अभी ये बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज्ड है, तो हम थोड़ा सेटल होने का वेट करते हैं। अब हम लगाते हैं कंसीलर, पहले हम आईज कवर अप कर लेते हैं उसके बाद हम फेस पे जाएंगे बिकॉज ये एक बेसिक स्टेप है, पहले आईज करना है उसके बाद आपको फेस करना है। सो फॉर द आईज मेरे पास एक अच्छा प्रोडक्ट है जो मैंने इस बार परचेज करा है, फॉर द ब्लेंडर। सो दिस इज बेसिकली फॉर कंसीलर ब्लेंडिंग एंड दिस वन इज फ्रॉम रियल टेक्निक 210। मैं कंसीलर ब्रश बहुत टाइम से ढूंढ रही थी एंड इसके रिव्यूज मुझे बहुत अच्छे लगे थे, सो दैट्स व्हाई आई परचेज दिस। ये थोड़ा सा हाई एंड की साइड है बिकॉज एक ब्रश में इतना इन्वेस्ट करने में मुझे भी लग रहा था मैं करूँ या ना करूँ, बट आफ्टर ऑल मैं यूज करने के बाद बताऊंगी ये वर्थ इट है या नहीं है। कंसीलर के लिए मैंने आज एले गर्ल का कंसीलर यूज करी हूँ एंड ये भी मैंने अमेजोन से लिया, इसका एक शेड डार्क भी मेरे पास है। दिस इज कूल न्यूड। आई होप ये मेरी आईज पे कुछ ज्यादा ही लाइट ना हो जाए, अब मुझे ऐसा लग रहा है शायद है कि ये बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा। लेट्स ट्राई दिस आउट। तो हम बात कर रहे थे अबाउट द यूट्यूब चैनल, अगर आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एंड फोर्थ पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं ना, आपको लोगों की बात नहीं सुननी है पहली बात, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मुझे भी हर लोगों ने सपोर्ट करा। ये भी बहुत सारे ऐसे नोन में थे जो मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, जिन्होंने डायरेक्टली मतलब ऑब्वियसली उन्हें भी समझ में नहीं आता था कि ये यूट्यूब क्या है। एंड मैं एक ऐसी सिटी से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे आई गेस मैं ही पहली हूँ जिसने यूट्यूब को इतना मतलब मैंने करा है बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग यूट्यूब आई डोंट थिंक सो कि मेरी सिटी से ऐसा कोई है अभी फिलहाल में। एंड उस ड्यूरेशन में यूट्यूब स्टार्ट करना, लाइक आई हैव स्टार्टेड इन द 2019 में यूट्यूब बहुत कम लोग हैं कि मेरे यहाँ पे लोग जानते थे। अब तो फिर भी मेरे पेरेंट्स ही जानने लगे ये शेड मेरा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लाइट है। आई डोंट नो मैं अब इसे कहाँ यूज़ करूँगी, आई गेस मैं इसे एज अ बेस ही यूज़ करूँगी आई बेस पे। बट ये ब्रश बहुत अच्छा है बट कंसीलर मेरे लिए नहीं है, बट ये अभी आई शेडो से कवर हम कर दो या वे अभी वो वी वर टॉकिंग अबाउट द यूट्यूब थिंग। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक बहुत ही छोटी सिटी से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे लोग यूट्यूब नहीं जानते हैं, मैं भी वहीं पे हूँ, मैं भी वहीं से बिलोंग करती हूँ। मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहीं सिटी से है। बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन होती है कि हमारे यहाँ पे लोग समझते नहीं है यूट्यूब को, तो मेरे यहाँ पे भी नहीं समझते थे। मैंने उन्हें समझाया है कि यूट्यूब एक्चुअल में है क्या। मेरे पेरेंट्स भी एक टाइम पे यूट्यूब नहीं समझते थे ऑब्वियसली, बट आई गेस मैंने एक करेक्ट टाइम पे यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था बिकॉज कॉलेज ड्यूरेशन में आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। आप कभी भी यूट्यूब एज अ सिंगल ऑप्शन मत यूज करना बिकॉज वी नेवर नो कि वेदर आपका यूट्यूब चैनल चल रहा है या नहीं चल रहा है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आपके पास दो प्लान होने चाहिए। एंड मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप कॉलेज में स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर इन केस अगर आपकी अभी लाइक जॉब वगैरह है या फिर अगर साइड में आप कुछ करते हैं तो फिर यूट्यूब आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आपको लगे कि हाँ एक यूट्यूब से आपकी एक स्टेबल इनकम आनी स्टार्ट हो गई है लाइक कोलैबोरेशन से एंड मोनेटाइजेशन से, तो फिर आप डायरेक्टली स्विच हो सकते हैं यूट्यूब पे। बट कभी भी ये मत करना कि आप यूट्यूब को एज अ मेन करियर स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज मैंने यूट्यूब को अगर मेन करियर अभी इस टाइम पे रखा है इज जस्ट बिकॉज कि अभी मेरी एक स्टेबल इनकम यूट्यूब से हो गई है। हम आज एक न्यूड लुक रखेंगे, हम बहुत ही बोल्ड लुक नहीं रखने वाले। पहले मैं सोच रही थी लेट जस्ट क्रिएट सम स्मोकी आई लुक, बट मैं उसके ऊपर एक पूरा ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करूंगी, नॉट राइट नाउ। हम बात कर रहे थे अबाउट बिगिनर्स, तो बिगिनर्स के लिए आपको सबसे पहला काम जो करना है इज जस्ट राइटिंग कॉन्टेंट, बिकॉज अगर आपके पास 50 आइडियाज ऑलरेडी लिस्टेड है तो फिर आपको यूट्यूब वीडियोज बनाने में ईजी पड़ेगा। बिकॉज वॉट हैपन्स ना कि अगर आप एक रैंडमली वीडियो बना के शूट करके अपलोड कर देते ये सोचिए कि मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, तो उससे क्या होगा, एक वीडियो आपकी बहुत अच्छी जाएगी ऑब्वियसली क्योंकि आपने उसे पूरा प्लान करा था। आगे आपको सोचना पड़ेगा अब नेक्स्ट क्या। एंड उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बोर हो जाएंगे, जब आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा एक वीडियो में ये सोचने के लिए कि आपको क्या वीडियोस बनानी है। बिकॉज बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछने आते हैं कि कॉन्टेंट में क्या डालूं, वीडियोज कैसे स्टार्ट करूँ। एंड ऑल्सो बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैं हॉल वीडियोज कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। हॉल वीडियोज के लिए मैंने एक सीक्रेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड करा था मेरे चैनल पर आई गेस 6-7 महीने पहले, उसकी लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी। सो प्लीज मेक श्योर टू चेक दैट आउट। आई शेडो के लिए मैं यूज करी हूँ मेकअप रिवॉल्यूशन का ये वाला पैलेट, आई गेस इट्स रीलोडेड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या इट्स रीलोडेड वेलवेट रोज, तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको मेकअप रिवॉल्यूशन के पैलेट लेना है तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि आप सेल के टाइम पे उसे खरीदें। सेल के टाइम पे क्या होता है आपको दो पैलेट बहुत अच्छी प्राइस रेंज में मिल जाते हैं, दैट इज 950 में दो पैलेट। लेकिन क्या गलती करती थी, मैंने ये वाला पैलेट भी सिंगल पैलेट लिया था 650 समथिंग अप्रॉक्स का, और मैंने दूसरा पैलेट भी 650 या 560 के अप्रॉक्स में लिया था। बट नेक्स्ट टाइम जब भी सेल लगती थी मैं 950 में दो पैलेट्स लेना स्टार्ट कर दिए थे। Amazon पे सेल लगती रहती है लाइक राइट नाउ, अभी Amazon पे ब्यूटी सेल लाइव है, सो दैट यू कैन चेक दैट आउट। तो आपको कोई भी दिक्कत हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है, आप चेक कर सकते हैं। फॉर द ग्लिटर लुक मैं आज यूज करने वाली हूँ कीरो का लॉन्ग वियर ब्राइटनिंग आई शेडो स्टिक। ये मुझे लगाने में थोड़ी सी दिक्कत जा रही है बट आई क्वाइट लाइक इट बिकॉज ये बहुत ही नेचुरल फिनिश दे रहा है। सो आई यूज दिस। ये लगाने के बाद आपको हाथ से उसे अच्छे से ब्लेंड करना है और यू कैन यूज एनी ब्रश टू डू दैट। सो आई एम डन विद द आई शेडो एंड मैं इतना ही रखूंगी आज की आईज के लिए। आई जस्ट डू द अंडर आई लेटर ऑन। एंड पहले हम आज यूज करने वाले कलर करेक्टर। मैं अभी तक कलर करेक्टर आपके साथ शेयर नहीं करती थी, आई डोंट नो वाई, बट अब मैं आपके साथ कलर करेक्टर हमेशा यूज करूंगी। मैं अभी तक दूसरा कलर करेक्टर यूज करती थी, आई गेस मेरे पास इनसाइड का भी है, एले गर्ल का मैंने अभी खरीदा है। सो आई जस्ट गो विद दिस एले गर्ल ऑरेंज कलर करेक्टर बिकॉज इसका मुझे बहुत टाइम से वेट का एंड फाइनली मैंने सेल में से खरीद लिया। जस्ट कंटिन्यू विद हर कॉन्वर्सेशन जो मैंने स्टार्ट करी आज की डेट में। मुझे ऐसे वीडियोज बनाना पता नहीं क्यों बट पसंद है, लाइक मुझे आपके साथ बात करना बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग आज के डेट में यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें, आई डोंट नो वाई बट आई फील लाइक कि अगर आप एक स्मॉल टाउन गर्ल है लाइक मी तो यूट्यूब इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म बिकॉज वहाँ पे आपको कोई भी जज नहीं करने वाला है एंड कोई भी नहीं जानता है कि आप कहाँ से हो। आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर पे बैठे हो, पीपल डोंट नो कि आप कहाँ से हो बिकॉज इंटरनेट इज समथिंग जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हो, आप अपने आप को शो कर सकते हो जो भी आप फील करते हो। एंड यूट्यूब करते करते मैंने ये फील किया है कि मेरे में बहुत चेंजेस आए हैं बिकॉज आई वॉज लाइक अ वेरी शाय तो नहीं कहूँगी बट हाँ मैं हर जगह बोलती नहीं थी। एज आई रिमेम्बर स्कूल में भी मैं बोलती थी बट मैं वैसा नहीं बोलती थी, आई डोंट नो बट या यू कैन स्टार्ट यूट्यूब। और आज की डेट में तो आई गेस एक यूट्यूब चैनल होना मस्ट है। डिसाइडिंग नीश इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया आपको व्यूज पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है कॉन्टेंट पे एंड आपको फोकस करना है वीडियोस पे, लाइक आप वीडियोस में क्या बना रहे हो, आपका इंटरेस्ट कहाँ पे। बिकॉज अगर इन केस आप ये देख के बनाना स्टार्ट कर देंगे कि हाँ वो ये वीडियोस बना रहा है, उसके वीडियोस चल रहे हैं तो मेरे वीडियोस भी चलेंगे, तो ऐसा नहीं होता इंटरनेट की दुनिया पे। आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही वीडियोस बनानी पड़ेंगे, अदरवाइज एक टाइम के बाद आप बोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। मुझे एलीगर का करेक्टर बहुत पसंद है, बट द थिंग इज मुझे इसका एप्लीकेटर उतना पसंद नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, बहुत सारे लोगों को इसका एप्लीकेटर ही बहुत पसंद आता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट या तो बहुत ज्यादा निकल आता है या तो फिर बहुत ही कम निकल आता है। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस एप्लीकेटर। बट हाँ, अगर आप मुझसे प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे तो प्रोडक्ट इज वेरी गुड। डाउन द माउथ आई गेस मुझे एक और ब्रश लेना पड़ेगा जो मैंने कंसीलर के लिए लिया है फॉर द कलर करेक्टिंग थिंग, बिकॉज मेरे पास जो अभी अवेलेबल है उससे मैं उतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ। अभी मैं लंदन प्राइम का यूज़ कर रही थी, बट मुझे पर्टिकुलरली उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं लग रहे थे। सो दैट्स व्हाई आई हैव शिफ्टेड टू रियल टेक्निक, एंड रियल टेक्निक के ब्रश मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। कलर करेक्टर अप्लाई होने के बाद मैं ऊपर से एक कंसीलर का लेयर भी अप्लाई करूंगी, बिकॉज कंसीलर का लेयर हम नहीं अप्लाई करते। अगर हम डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो हमारा जो मेकअप है वो ग्रे होने लगेगा। Foundation I am using the SuperStay foundation, and ये बहुत ही long lasting है, under budget है, so if you are looking for a budget friendly long lasting foundation, go with the Maybelline SuperStay foundation. It's one of the best foundation under ₹600. And मेरा जो shade है इसमें वो है 220 natural base। मुझे ये shade बिल्कुल perfect आता है, and मैंने इसका सिर्फ अभी एक pump बस लिया है और मैं इसे सिर्फ dot dot करके पूरे face पे ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू इसे ब्लेंड करूंगी। दिस वन इज फ्रॉम रियल टेक्निक जो मैं हमेशा यूज करती हूँ, बिकॉज मुझे इसका एप्लीकेटर जो है ना, ये इस टाइप का जो राउंड है वो फाउंडेशन ब्लेंड करने में बहुत हेल्प करता है। एंड कैन यू सी द ब्लेंड, ओ माय गॉड आज बहुत ही परफेक्ट ब्लेंडिंग हुई है, बिकॉज मैंने कलर करेक्टर भी यूज करा है और उसके बाद मैंने कंसीलर का एक लेयर भी अप्लाई करा है। सो ओवरऑल आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द बेस। सो मेन जो आज का टॉपिक था वो ये था कि एज अ बिगनर आपको ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है जब आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें से एक पॉइंट ये भी है कि आपको अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करते रहना है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि हम YouTube के वीडियोस WhatsApp पे और अदर प्लेटफॉर्म पे हम शेयर नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप हर प्लेटफॉर्म पे YouTube के जो वीडियोस है ना वो शेयर कर सकते हो। मुझे यहाँ थोड़ा सा फाउंडेशन कम लग रहा है। सो आप हर किसी को वीडियो शेयर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने अपने ऑलमोस्ट सारे फ्रेंड्स को मैंने कॉलेज में जाके उनका मोबाइल ले के सब्सक्राइब करा है। एक टाइम ऐसा था कि जब मैं सबके मोबाइल से अपनी वीडियोस देखा करती थी, लैब में बैठे बैठे मैं सारे बच्चों का फ़ोन ले लेती थी और मैं वीडियोस देखती थी। बट रिमेंबर वन थिंग कि आपको उन लोगों के पास नहीं जाना है जो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, सीधी बात, बिकॉज दे आर क्वाइट जेलस ऑफ यू ऑनेस्टली। तो आपको ऐसे लोगों से डिस्कस नहीं करना है अपना चैनल, बिकॉज इससे क्या होगा ना, आपको डीमोटिवेशन होगा फॉर श्योर। एंड मैंने कभी भी ऐसे लोगों से जाके बोला नहीं है कि मेरा चैनल देखो या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज वो समझ में आ जाता है कि आपको कौन देखना चाहता है और आपसे कौन इम्प्रेस है, आपको रियलिटी में कौन मोटिवेशन दे सकता है और ऐसे कौन से लोग हैं जो सच में आपको सपोर्ट करते हैं। तो आप उन्हीं लोगों के पास जाइए ताकि आपका जो मोटिवेशन है ना वो मतलब रहे। क्या होगा कि आपको मोटिवेशन रहेगा और आपको वीडियोस बनाने में भी हेल्प होगा, अदरवाइज आप बहुत ही डीमोटिवेट हो सकते हैं एक पॉइंट पे आके। बिकॉज मुझे भी बहुत सारे लोगों ने टॉन्ट मारा है कि ये क्या करती रहती हो, क्यों बनाती हो, एंड बट मैंने कभी भी इतना नोटिस नहीं करा, बिकॉज मुझे हमेशा से ये था कि मुझे अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना है। जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि मुझे हमेशा से ये था कि मुझे खुद का कुछ स्टार्ट करना है और मैं किसी के अंडर में कुछ नहीं करना चाहती हूँ। दैट्स व्हाई मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा। उस टाइम में तो मुझे ये भी नहीं पता था कि हाउ एक्चुअली यूट्यूब वर्क्स, तब भी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया था। एंड ऑनेस्टली मैं अपने फ्रेंड्स को बहुत बड़ा थैंक यू दूंगी बिकॉज मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना वो बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने ही मुझे कभी भी उन टॉक्सिक लोगों के पास जाने को नहीं बोला। उन्होंने हमेशा कहा कि अंशिका डोंट डू दिस, मतलब आप उनके पास मत जाओ। अगर वो आपको नेगेटिव एनर्जीज दे रहे हैं ट्राई टू मेक अ डिस्टेंस, आप उनके पास जाओगे आपको नेगेटिव एनर्जीज आएंगी। ये मेरे फ्रेंड्स हमेशा बोलते हैं कि ऐसे लोगों के साथ ही रहो जहाँ पे तुम्हें अच्छा लग रहा हो, ऐसे लोगों के पास आपको नहीं जाना है। इवन वो फैमिली मेम्बर्स हो या फ्रेंड्स हो, तो आपको उन लोगों से अपनी वीडियो शेयर नहीं करनी जहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। ब्लश के लिए मैं आज लिक्विड ब्लश यूज करूंगी बाय अर्थ रिदम लिप एंड चीक टिल्ट। इसके बाद फिर मैं पाउडर से लॉक कर दूंगी। सो मैं यहाँ पे डॉट्स रख लेती हूँ थोड़े। मुझे ये टिंट बेसिकली बहुत पसंद है, डेली यूज के लिए तो बेस्ट है। इनकेस अगर आप चाहते हैं आप एक और कंसीलर का लेयर अप्लाई कर सकते हैं हाईलाइटिंग के लिए, बट मुझे वो पसंद नहीं है बिकॉज उससे क्या प्रोडक्ट का अमाउंट ही ज्यादा हो रहा है, एज सच कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट इनकेस अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके डार्क सर्कल्स अभी भी विजिबल हैं तो फिर आप एक और लेयर बना सकते हैं कंसीलर की। इसे यूज करने के बाद बहुत ही मॉइस्चराइज्ड फेस लगने लगता है। कैन यू सी द ग्लो? या एंड आई जस्ट गो विथ पाउडर। मैं पाउडर से अपना फेस जो है वो लॉक कर दूंगी। पाउडर के लिए मेरा फेवरेट मैं फिटमी यूज करने वाली हूँ इन द शेड 25। पाउडर ब्रश के लिए मैं यूज करूंगी मीशो का पाउडर ब्रश। मैंने इसके बैक साइड पे यहाँ थोड़ा सा पाउडर ले लिया है। मैं थोड़ा थोड़ा करके लूंगी और जो एक्सेस है उसे मैं रिमूव करती रहूंगी। लॉक करने से क्या होता है आपका जो फाउंडेशन है ना वो एक जगह ही टिका रहता है। पहले मैं फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद ये सब नहीं करती थी, बट प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद मुझे ये सारी बातें पता चली हैं। सो मैं अब हमेशा ये सारे पॉइंट्स दिमाग में रखती हूँ। एंड फॉर द अंडर आइज, बिकॉज अंडर आइज में भी आपको पाउडर सेट करना पड़ेगा। मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है जो मैंने इस बार अमेजोन पे देखा था। अमेजोन पे नहीं, बेसिकली मैंने ये ब्यूटी वीडियोस में देखा था। उसके बाद मैंने अमेजोन पे सर्च करा, मुझे ये 199 के दो मिल गए थे। एंड ये लगाने के बाद आप सब भूल जाओगे सब कुछ। मैंने इसके पॉइंट पे पाउडर ले लिया है और मैं एक्सेस को रिमूव करूंगी। सी इतने परफेक्टली ब्लेंड होता है ना, बहुत अच्छे से लगता है। पीछे बैक साइड में बहुत अच्छा ग्रिप बन जाता है, तो मुझे ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा लगा है। ये प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सब जगह है इंटरनेट पे। जो भी मेकअप वीडियोस देखते हैं ना उन्होंने ये ट्रायंगुलर स्पंज जो है ना वो फॉर श्योर चेकआउट किया ही होगा। आईब्रोज और मुझे रियलाइज हुआ, मैंने जब लास्ट टाइम आईब्रोज बनवाई थी ये वाली आईब्रो मेरी उन आंटी ने बिगाड़ दी थी। बिकॉज एज सच मैं यहाँ पे किसी को जानती नहीं हूँ आईब्रो के लिए, और मैं बिना आईब्रोज बनवाए अगर रहूंगी तो फिर मैं भालू बन जाऊंगी। तो ऑब्वियसली मुझे कोई चाहिए था एंड मैं आईब्रो बनवाने के ये तो उन्होंने बहुत ही परफेक्ट बनाई है बिकॉज ये मेरी बन भी जाती है परफेक्टली। बट ये वाली जब उन्होंने बनाई इतने परफेक्टली बना रही थी ना, मुझे लगा बहुत ही अच्छा बना के देंगी, बट मुझे रिजल्ट्स बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं लगे। उन्होंने यहाँ के जो मिडल से लेंथ रहती है ना वो उन्होंने बहुत कम कर दिया, मतलब ये जो हाइट रहती है मुझे बहुत ही बेकार लग रही है। बट ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ कि कब वो बढ़ जाए ताकि मैं उसे वापस अपने अकॉर्डिंग बनवा सकूँ। मैं ऊपर से भी थोड़ा सा ब्लश अप्लाई करूंगी शुगर कॉस्मेटिक्स का। ये मेरा फेवरेट ब्लश है अंडर 500 की रेंज में। ये आएगा 399 समथिंग का आता है। और बहुत ही न्यूड लुक देता है। मेरी आईब्रो में हमेशा एक दिक्कत होती है कि ये वाला जो आईब्रो है ना ये इस टाइप का हो जाता है, तो मुझे एक स्पूली ब्रश आई गेस हर टाइम कैरी करना चाहिए, या फिर मुझे जेल आईब्रो में भी ट्राई करना चाहिए कि वो कैसे रिजल्ट्स दे रहा है। आई गेस वो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। कॉन्ट्योर के लिए भी आई विल यूज द सेम शुगर कॉस्मेटिक्स 02D वंडर। एंड मैं थोड़ा सा लूंगी और अगर आपको मेरी ये चिट चैट मेकअप वीडियोस पसंद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बिकॉज मैं भी रिसेंटली ये ट्राई कर रही हूँ हिट एंड ट्रायल कि आपको मेरे मेकअप के साथ ये सारे वीडियोस कैसे लगते हैं। बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं नॉर्मल सिट डाउन वीडियोस आपके साथ शेयर करूँ बिकॉज आपको मेरी बातें बड़ी पसंद है, बट बातों के साथ मैं सिर्फ बातें नहीं करना चाहती हूँ। इससे बेटर है मैं एक मेकअप वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि आप भी साथ में दो चीजें सीख लें, वो ज्यादा बेटर है। एंड मैं इतना सारा मेकअप अगर आपके सामने दिखाऊंगी तो उसके कुछ स्टेप्स तो आपके दिमाग में जाएंगे ही कि क्या कैसे करना है, कि अंशिका क्या कैसे करती है। सो इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आपको इस टाइप की वीडियोस पसंद। मैं आज आईलाइनर लुक नहीं रखने वाली हूँ, आई जस्ट गो विद द मस्कारा। एंड फॉर द मस्कारा मैं आज फर्स्ट टाइम है कि मैं टू फेस का मस्कारा यूज करने वाली हूँ। एंड दिस इज द मस्कारा जो मैंने अभी अमेजोन से परचेज करा है, टू फेस का। दिस इज द मिनी वन एंड मैंने इसके इतने सारे रिव्यू सुने थे ना, तो मुझे ये ट्राई करना ही था। द एप्लीकेटर इज वेरी गुड और मस्कारा मुझे बहुत ही पोर्टेबल लग रहा है, बहुत ही छोटा सा है, तो आप कभी भी कहीं पे भी लेके यू नो। एंड मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ इस मस्कारा से। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें इन्वेस्ट करना शायद ऐसा ना हो कि बहुत महंगा पड़ जाए मेरे लिए, बट आई वॉज लुकिंग फॉर दैट वन मस्कारा जो मेरे लिए परफेक्ट हो। सो द रिजल्ट्स आर वेरी गुड, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। नाउ लेट्स जस्ट गो विद द लिपस्टिक एंड द हाइलाइटर। फॉर द लिपस्टिक आई एम यूजिंग द कीरो ब्यूटी लिपस्टिक, दिस वन। एंड मेरे पास इसके दो शेड्स है, मैंने कॉफी वाला ऑलरेडी शेयर करा है, नटमैग न्यूड। दिस इज द सेकेंड वन जो मैं फिलहाल अभी पसंद कर रही हूँ। एंड इसका शेड है 09 पिंक सॉल्ट, बहुत ही पिंकिश टोन में है। I'm done with the makeup and highlighter के लिए मैं इसी पैलेट से ये वाला शिमर उठाऊंगी एंड मैं बहुत ही कम उठाऊंगी। एक्सेस को हम रिमूव करेंगे और सो गाइस दिस इज द फाइनल लुक। और अगर आपको एक बेसिक पार्टी मेकअप लुक चाहिए हो देन यू कैन कैरी दिस आउट। एंड ये मैंने बहुत ही सिंपल और न्यूड लुक रखा है, मैंने हेयर स्टाइल पे ज़्यादा फोकस नहीं करा है, मैंने सिर्फ क्लीन एस्थेटिक दिए हैं। एंड क्लीन उतना ज़्यादा क्लीन भी नहीं है बिकॉज आई हैवंट यूज्ड एनी स्प्रे और समथिंग। बढ़िया यू कैन स्टाइल योर हेयर अकॉर्डिंग टू योर नीड, मैंने आज सिर्फ ऐसा ही रखा है। एंड यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको आज का मेकअप लुक कैसा लगा है। एंड इसके अलावा अगर आपको मेकअप या फिर यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकती हैं। एंड ऑल्सो इसके बाद वाली जो वीडियोस आने वाली है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज उसमें मैंने यूट्यूब इंस्टाग्राम के अलावा मैंने अपनी लाइफ के बारे में भी बहुत सारी बातें करी। बिकॉज मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया मेरी लाइफ में, आई गेस मैंने दो बड़े डिसीजन जो अभी फिलहाल चल रहे हैं। सो मैं उन बड़े डिसीजन को जल्दी ही डिस्क्लोज करने वाली हूँ ऑन माई ब्लॉग चैनल एज वेल एज ऑन दिस चैनल। सो इनकेस अगर आपने मेरा ब्लॉग चैनल अभी तक नहीं देखा है देन गो एंड विजिट माई ब्लॉग चैनल बिकॉज ऑल द बिहाइंड द सीन्स विल बी देयर। एंड उसके अलावा जो भी न्यू वीडियोज रहेंगे वो यहाँ पे रहेंगे। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, बाय।